पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ ने पाकिस्तान बॉर्डर पर 5 घुसपैठियों को मार गिराया। संदिग्ध मूवमेंट दिखने पर बीएसएफ ने घुसपैठियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 घुसपैठिए मारे गए। उनके आतंकी या ड्रग तस्कर होने का शक है। पंजाब में मारे गए 5 घुसपैठियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से AK-47 राइफल और 2 पिस्टल मिली है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और आतंकी के बीच कुछ राउंड फायरिंग भी हुई। आतंकी के पास से 2 इम्प्रूव्ड एक्सक्लूसिव डिवाइस और 1 पिस्टल मिले हैं। IED को प्रेशर कुकर में फिट किया गया था। आतंकी का नाम अबू यूसुफ खान है। वह लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हमला करने की फिराक में था। यूसुफ कई इलाकों में रेकी कर चुका था। उसके पास से 30 बोर के पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI की 16 सदस्यों की टीम मुंबई में है। CBI की एक टीम सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिटानी से पूछताछ कर रही है। सुशांत की मौत के बाद सिद्धार्थ ही सबसे पहले कमरे में गया था। पाकिस्तान में आज़ादी के पहले बने एक हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। इस मंदिर के आसपास करीब 20 हिंदू परिवार रहते थे। इनके मकान भी तोड़ दिए गए। यहां एक बिल्डर कॉलोनी बना रहा है। आरोप है स्थानीय प्रशासन ने उसकी मदद की है। भारतीय रेलवे ने 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है इन ट्रेनों को बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ एक चीनी कंपनी के संयुक्त उपक्रम की ओर से बोली लगाने के कारण रेलवे ने यह फैसला लिया है। रेलवे ने ट्वीट के जरिए शुक्रवार देर रात टेंडर रद्द करने की जानकारी दी। मंदिरों को खोलने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा सरकार मॉल खोलने की मंजूरी इसलिए दे रही है क्योंकि इससे आर्थिक हित जुड़ा है। इसके लिए वे जोखिम भी लेने को तैयार है, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो कोरोना के खतरों पर बात करने लगते हैं। देश में अब तक कोरोना के 29,76,000 केस आ चुके हैं। इनमें से 22,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,96,000 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 55,926 की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,30,42,850 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,56,47,244 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,01,186 लोगों की मौत हो चुकी है। आज से 10 दिन के लिए घर घर भगवान गणेश की स्थापना होगी। गणेश उत्सव घर में सुख शांति लाने और घर से विघ्नों को दूर करने का उत्सव है। माना जाता है जब घर में गणपति आते हैं तो वे अपने साथ सुख शांति और आनंद लेकर आते हैं।